हाँ बेटा, हमने अभी लास्ट वाले टॉपिक में देखा था प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता किस प्रकार से होती है। थोड़ा सा इसको रिपीट कर दें। प्रतिरोध ताप पर निर्भर कैसे कैसे करता है, प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर कैसे करती है। तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है चालक पदार्थ, दूसरा होता है विद्युतरोधी या कुचालक पदार्थ, और तीसरा होता है अर्धचालक पदार्थ। जो चालक पदार्थ होते थे, इनमें भी दो अलग अलग प्रकार के हो गए थे। एक तो थी धातुएं और एक हो गई थी मिश्र धातुएं। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अब जो टॉपिक है छोटा सा, ये है अति चालकता। ये अति चालकता का टॉपिक यहीं से निकल कर आता है, अर्थात अति चालकता पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता को ही प्रदर्शित करती है, या पदार्थों की ताप पर निर्भरता के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। चालक पदार्थों के लिए धातुओं में लगभग लगभग समानुपाती प्राप्त होती है प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। तापमान में वृद्धि करेंगे, प्रतिरोधकता के मान में वृद्धि होगी, और तापमान में कमी करेंगे तो प्रतिरोधकता के मान में कमी होगी। ठीक बेटा, ये सामान्य ताप पर तो लगभग समानुपाती होता है, तो प्रतिरोधकता और ताप के मध्य बनने वाला ग्राफ एक सरल रेखा होता है, लेकिन निम्न ताप पर यह ग्राफ वक्रीय रूप धारण कर लेता है। ये पुराने वाले वीडियो के अंदर हम दर्शा चुके थे, बता चुके थे प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता में। आगे आ रहा है मिश्र धातुओं में। इसमें क्रोमियम का बता रखा था कि प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता थोड़ी कम होती है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता का मान सर्वाधिक माना जाता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता का मान अत्यधिक या सर्वाधिक माना जाता है। अब सर्वाधिक माना जाता है तो यहाँ ग्राफ भी बनाया था, इनका जो प्रतिरोधकता है वो ऐसे आती है, ये प्रतिरोधकता ये ताप है। जीरो ताप पर भी कोई ना कोई प्रतिरोधकता उपस्थित रहती है, अलग रहेगा समानुपातिक रूप में। आगे विद्युतरोधी, विद्युतरोधी में बताया था कि चरघातांक के रूप से बढ़ता है। यदि हम तापमान में वृद्धि करें, तापमान में वृद्धि करें तो प्रतिरोधकता के मान में चरघातांक के रूप से कमी आएगी, और यदि तापमान में कमी करें तो प्रतिरोधकता के रूप में चरघातांक के रूप से वृद्धि होगी। और यहां जो प्रतिरोधकता है, परिवर्तित प्रतिरोधकता थी, वो थी रो बराबर रो जीरो ई की घात ई जी बटे 2 kBT। ये मान प्राप्त हुआ था। आगे अर्धचालकों में, अर्धचालकों के तापमान में वृद्धि की जाए, अर्धचालकों के तापमान में वृद्धि की जाए तो इनकी प्रतिरोधकता में कमी होती है, क्योंकि जब हम अर्धचालक के तापमान में वृद्धि करेंगे तो अर्धचालक के सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे, और सहसंयोजी बंध टूटने के कारण, जब सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे तो सहसंयोजी बंधों के टूटने के कारण वहां आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन्स या होल होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण चालकता के मान में वृद्धि हो जाएगी, और चालकता के मान में वृद्धि होगी तो प्रतिरोधकता के मान में कमी हो जाएगी। तो यह प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता थी। अब इसी में आता है बेटा अपने पास अति चालक पदार्थ क्यों। देखो, कुछ धातुएं या मिश्र धातुएं, इसी जगह बात करेंगे चालक पर, अति चालक पदार्थों की बात कर रहे हैं। कुछ धातुएं या मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतिरोधकता एक निश्चित ताप पर तेजी से परिवर्तित होकर के या तेजी से घट करके शून्य हो जाती है। अति चालकता यहां से स्टार्ट है। अति चालकता कौन से पदार्थों में पाएगी बेटा, चालक पदार्थों में। और चालक पदार्थ कितने भागों में बांट रखे अपन ने, दो। एक तो होती है कौन सी, धातुएं, और एक कौन सी वो रखे हैं, मिश्र धातुएं। एक तो धातु हैं और एक कौन से हैं, मिश्र धातु हैं। तो चाहे हम धातुएं लें और चाहे हम मिश्र धातुएं लें, इनमें कुछ पदार्थों में ये गुण पाया जाता है। इनमें क्या होता है बेटा, कुछ पदार्थों में ये गुण पाया जाता है कि एक निश्चित ताप पर इनकी प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। एक निश्चित ताप पर इनकी प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटकर शून्य हो जाता है।
इन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? अतिचालक पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। इस गुण को अतिचालकता कहते हैं, और जिस तापमान पर यह घटना घटित होती है उस तापमान को क्रांतिक ताप कहते हैं। क्या नाम देते बेटा? क्रांतिकता। तो अतिचालकता क्या हो गया? कुछ धातुओं एवं मिश्र धातुओं, परिभाषिक तौर पर लिखित क्या लिखेंगे? कुछ धातुओं एवं मिश्र धातुओं में एक निश्चित ताप पर इनकी प्रतिरोधकता का मान तेजी से घट करके शून्य हो जाता है। कुछ धातु एवं मिश्र धातुओं में एक निश्चित ताप पर इनकी प्रतिरोधकता का मान तेजी से घट करके क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं, इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। इन पदार्थों को कौन से पदार्थ कहते हैं बेटा? अतिचालक पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। और जिस तापमान पर यह घटना घटित होती है उस तापमान को क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। इसी में एक आगे आ जाता है मेसनर प्रभाव। मेसनर प्रभाव क्या बेटा? देखो क्या है, जो ये अतिचालकता की खोज की थी, एक डच वैज्ञानिक थे, डच देश के वैज्ञानिक थे, सन 1911 में उन्होंने 4.2 केल्विन ताप पर, कितने पर? 4.2 केल्विन ताप पर 1911 में डच वैज्ञानिक था, उसका नाम थे कामरलिंग, कामरलिंग ओनेस। क्या नाम था बेटा? कामरलिंग ओनेस। तो ऐसे लिख सकते हैं कामरलिंग ओनेस। कामरलिंग ओनेस वैज्ञानिक 1911 में डच वैज्ञानिक कामरलिंग ओनेस ने 4.2 केल्विन ताप पर देखा यह प्रभाव। 4.2 केल्विन ताप पर देखा कि पदार्थों की या कुछ पदार्थों की जो धातु भी है और मिश्र धातु भी है जो प्रतिरोधकता वो तेजी से घट करके क्या हो गई? शून्य हो गई। तो इस प्रभाव को उन्होंने क्या कह दिया? अतिचालकता कह दिया। अब क्या हुआ बेटा? जो अतिचालकता की स्थिति में जो अपन ने पदार्थ लिया है, अतिचालकता की स्थिति में पदार्थ लिया जाता है यानी कि उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। और जब उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो गई अतिचालकता की स्थिति में, तो यहां उसके अंदर किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं रहता है, किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं रहता है। इस प्रभाव को मेसनर प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं बेटा? मेसनर प्रभाव। तो यानी यहां से तीन डेफिनेशंस निकल के आ चुकी हैं। एक, सबसे पहले अतिचालकता क्या है, दूसरा क्रांतिक ताप क्या है, और तीसरा मेसनर प्रभाव क्या है। अतिचालकता की परिभाषा क्या बनती है? कुछ धातु एवं मिश्र धातुओं में, कुछ धातु एवं मिश्र धातुओं में एक निश्चित ताप पर उनकी प्रतिरोधकता का मान तेजी से घट करके शून्य हो जाता है। एक निश्चित ताप पर उनकी प्रतिरोधकता का मान तेजी से घट करके क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, इस घटना को अतिचालकता कहते हैं, इस पदार्थ को अतिचालक पदार्थ कहते हैं, और जिस ताप पर यह घटना घटित होती है उसे अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है मेसनर प्रभाव क्या है। अतिचालकता की स्थिति में, कौन सी स्थिति में बेटा? अतिचालकता की स्थिति में पदार्थों के अंदर किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं रहता है। अतिचालकता की स्थिति में पदार्थ के अंदर किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं रहेगा या नहीं रहता है, इस घटना को मेसनर प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? मेसनर प्रभाव। ठीक बेटा, तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हमारे काम में आ सकते हैं।